हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग म्यूजिक में जो सात स्वर होते हैं उन सात स्वरों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, म्यूजिक में गाने के लिए, हारमोनियम के लिए, कीबोर्ड के लिए सात ही स्वर फिक्स किए गए हैं। ओके, इन्हीं गुणों को ध्यान में रखते हुए संगीत के लिए मुख्यतः सात स्वर निश्चित किए गए। उनमें से पहले षडज, उनका नाम देखिए प्रॉपरली, ये आपको लर्न होना चाहिए। षडज, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत, वनिषद। ये देखो, षडज मीन्स सा, गांधार मीन्स गा, मध्यम मीन्स म, पंचम मीन्स प, दैवत मीन्स द, वनिषद मीन्स नी, सारे गामा पाधानी। इन सात स्वरों को एक सप्तक बनाया गया है जो फिक्स है। ओके, इन स्वर नामों के पहले अक्षर लेकर इन्हें सारेगमपद और नी कहा गया है। यह सब शुद्ध स्वर है। शुद्ध मीन्स ए शुद्ध, सभी साइलेंट स्वर है। ओके, इनमें सा पहला षडज और प, प मीन्स पंचम, षडज और पंचम अचल माने हैं, माने गए हैं अचल। आपको अचल का अर्थ पता है कि ये जो दोनों स्वर है वो जरा भी हिलते नहीं इधर उधर, वो शुद्ध ही शुद्ध रहते हैं, वो विकृत नहीं हो जाते, कोमल नहीं हो जाते, तीव्र नहीं हो जाते, इसलिए उनको अचल कह गया है संगीत में, क्योंकि ये अपनी जगह से जरा भी नहीं हटते। कौन से दो स्वर? सा और प। ओके, तो ये आज हमने जो म्यूजिक में सेवन नोट्स ऑफ सरगम होते हैं तो उसका आज हमने लेसन देखा है। तो स्टूडेंट, आपको घर में पूरी इंफॉर्मेशन लर्न करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सबके लिए। तो तुम्हारी नोटबुक में भी अच्छी तरह से लिखना, उनको टाइटल देना है सेवन नोट्स ऑफ सरगम। ओके, तो इस तरह से सा को क्या कहते हैं, म को क्या कहते हैं, आप सभी जानकारी इस वीडियो में है। आपको स्क्रीन प्रॉपरली वॉच करना है और पूरा पूरा ये सात स्वरों का लेसन आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।